एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति अवस्थी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है तो इसलिए मैंने दुर्गा पूजा नवरात्रि से रिलेटेड ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह मैंने कैरी नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसमें मेकअप है जो थोड़ा कलरफुल किया है। और मेरा आउटफिट आप देख सकते हैं, इस तरह का कुछ है, ग्रीन वाइट और ऑरेंज में। ये मेकअप लुक मैं इस वीडियो में क्रिएट करने जा रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो मुझे बताइए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं है अपने हेयर को टाई कर लूँगी ताकि ये डिस्टर्ब ना करें। और सीर सीक्रेट का ये रोज़ वाटर जो है टोनर, बहुत ही अच्छा टोनर है, इसे मैं अपने फेस पे अच्छी तरह से 4-5 स्प्रे करके अप्लाई करूँगी और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने दूँगी ताकि मेरी स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट हो जाए। और यहाँ पे वैसलिन एलोवेरा का जो लिप बाम है वो मैं अपने लिप्स में अप्लाई करूँगी। लाशील्ड का फिजिको सनस्क्रीन और पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र जो है उसे मिक्स करके मैं अपने स्किन पर लगा लूँगी, अपनी स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ करने के लिए, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो हमारी स्किन अच्छी तरह से मॉइस्चराइज होनी चाहिए। और इसे जो है मिक्स करके मैं दोनों मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन को अप्लाई करूँगी। और यहाँ मेरे हाथ पे जो है पंख चिपक गए हैं तो उसे मैं उड़ा रही थी, पर अब देख रहे हैं कि और यहाँ पे जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स करके अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। और 5 मिनट के बाद जो है मैं यहाँ पे नेल्फ का सिलिकॉन प्राइमर लगाऊंगी अपने फेस पे, क्योंकि जो भी आपकी टी जोन एरिया ऑयली होती है तो वहाँ पे ऑयल नहीं आने देता, आपका मेकअप को जो है लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। और यहाँ पे जो है फिटमी का कंसीलर मैं अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि आपके आई शेडो वगैरह के जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरह से विजिबल होते हैं कंसीलर लगाने के बाद। और यहाँ पाउडर्स मैं उसे सेट कर लूँगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवोल्यूशन का मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से मैं ये लाइट ऑरेंज शेड को अपने क्रीज पर यूज़ करूँगी और बहुत ही पाउडरी है, आप देख सकते हैं। तो एक्सेस को मैंने डैप कर दिया है और यहाँ मैं हल्के से जो है इसे ब्लेंड करके अपने क्रीज पर अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और डार्क ऑरेंज शेड लूँगी मैं और उसे जो है अपने आउटर वी से अप्लाई करके और धीरे धीरे ब्लेंड करते हुए अंदर ले जाऊंगी, आप देख रहे हैं जैसे इसे अच्छी तरह से जो है मैं ब्लेंड करूंगी। और ब्लेंडिंग अच्छी तरह से टाइम लेकर करना है, मैंने बहुत ज़्यादा ब्लेंड किया था इसे। और ब्लेंड करने के बाद जो है मैं यहाँ पर सेकंड शेड लूंगी येलो, जो कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं था, तो मैंने जो है अपने ब्रश पे सेटिंग स्प्रे यूज़ करके और फिर इस आई शेडो को लगाया है, तब जाके थोड़ा कलर जो है आपको जैसा दिख रहा है उस तरह का कलर मिल पाया है। तो इस तरह से मैंने इसे अप्लाई किया है, अच्छी तरह से ब्लेंड किया है और इस तरह का कुछ दिख रहा था, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये पिंक शेड मैंने लिया है और अपने आउटर वी पे इसे भी मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया है ताकि थोड़ा सा जो है कलर और ज़्यादा डेप्थ मिले। तो यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड के ब्राउन पेंसिल को जो है मैंने अपने टाइट लाइन पे लगाया है। और उसके बाद आईलैश कलर से जो है मैं अपने आईलैशेस को कर्ल कर रही हूँ, क्योंकि आपके मस्कारा अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। कोलोसल का ये मेबिलिन कोलोसल मस्कारा है, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है आपके आईलैशेस को ये। उसके बाद जो है बेला वॉस्टे का जो है आईब्रो पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल करने के लिए, और उसके पीछे जो स्पूली दी गई है उससे मैं इसे कॉम कर रही हूँ और डिफरेंस आपको दिख रहा होगा दोनों आईब्रो में, तो बहुत ही अच्छा आईब्रो पेंसिल है ये भी। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये सिमर वाला येलो आई शेडो है जो मैं अपने आईलिड के मिडल पे प्लेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मैट लग रहा था अपना आई शेडो, तो मैं इसे अपने आईज़ के मिडल पे फिंगर से ही लगा रही हूँ और इस तरह का कुछ दिख रहा था लगाने के बाद, आप देख सकते हैं। और यहाँ पैक का जो है 51 आईलैश मैंने अप्लाई किया है और यहाँ पे जो है पीच शेड लेके मैंने अपने अंडर आई में डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए इसे अप्लाई किया है, थोड़ा ब्राइट करने के लिए अपने अंडर आई को। और फिटमी का ही कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड किया है। अभी मैंने फाउंडेशन से पहले ही कंसीलर लगा लिया है क्योंकि उसके बाद जो होता है थोड़ा केक ही लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, इसलिए मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया। और मिस क्लेयर के लूज़ पाउडर से जो है मैं इसे सेट कर दूंगी ताकि कोई क्रीज वगैरह ना हो। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ओक्स ऑन यू
स्टिक है कॉन्टोर स्टिक, उसे मैं अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन से पहले मैं कॉन्टोरिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा नेचुरल सा कॉन्टोरिंग मिलता है हमें अगर हम फाउंडेशन से पहले अप्लाई करते हैं। मैं बहुत बार ऐसा करती हूँ कि फाउंडेशन से पहले ही कॉन्टोरिंग स्टिक अप्लाई कर लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी मैं फॉरहेड पे, नोज़ पे और जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया है। तो मुझे थोड़े अपने चिक्स को जो है लिफ्टेड दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरह का कॉन्टोरिंग किया है और बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग नहीं की है मैंने, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया था तो मैंने इसे कंसीलर से जो है सेट किया है, कट किया है। और यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का सॉफ्ट बेज शेड का जो है मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मीडियम टू हाई कवरेज आपको देता है। इसे मैंने एक ही बार अप्लाई किया है और बहुत ही अच्छा कवरेज आपको ये देता है। तो यहाँ पे इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे ही ब्लेंड करती हूँ तो अंदर से कॉन्टोरिंग शेड कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरह का नेचुरल लुक देता है ये जब आप अंदर यूज़ करते हो फाउंडेशन के। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी नेक पर, ईयर्स पे, हर जगह जो है मैं अपने फाउंडेशन को लगाऊँगी। उसके बाद जो है ये फिटमी की कंसीलर से जो है मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी और उसे भी अच्छी तरह से जो है मैं ब्लेंड कर लूँगी। फिर जो है ब्लेंड करने के बाद अच्छी तरह से इसे ब्लेंड करके और यहाँ पे पफ पाउडर लेके जो है मैं लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट से अपने फेस पे इसे अप्लाई करूँगी। पूरे फेस पे मैं पाउडर नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ मेरे टी जोन एरिया जो ऑयली है वहीं पर जो है मैं पाउडर से इसे सेट करूँगी, पूरे फेस को मैं सेट नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है आई शेडो में जो मैंने ऊपर अप्लाई किए थे ऑरेंज पिंक शेड, वही मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी और यहाँ मेरा आई लुक कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं। और वाइट काजल मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद ही फेशियस कनाडा का जो है ब्लश मैं अप्लाई करूँगी, बहुत ही नेचुरल सा ब्लश है आप देख सकते हैं इसके शेड्स को और बिल्कुल ही आपके चिक्स पे लगता नहीं ब्लश जैसा, बहुत ही नेचुरल लुक देता है। तो इसे मैं बहुत ही लाइटली अप्लाई करूँगी वेट एंड वाइल्ड के ब्रश से। और मेकअप रिवोल्यूशन का ये बेक्ड हाईलाइटर है जो कि बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, इसके फुल रिव्यू मैंने किए हैं अपने चैनल पे। और इस हाईलाइटर को जो है मैं अप्लाई करूँगी, गोल्डन हाईलाइटर है ये, बहुत ही अच्छा लगता है तो नाइट के लिए भी बहुत अच्छा है ये हाईलाइटर। और इसे मैं अपने हैं जो है चिक बोन्स पे ब्राउ बोन पे और नोज़ वगैरह पे आप देख सकते हैं जैसे कि, तो मैं वहाँ पे इसे अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद जो है मैं अपने ब्राउ बोन पे उस हाईलाइटर को अप्लाई करूँगी और यहाँ पे जो है मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ मेकअप रिवोल्यूशन के सेटिंग्स पे से जो है अपने मेकअप को सेट कर लूँगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मेकअप डन है। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।